Yes. So now have a look. We are going to discuss question number 12, 13, 14, and 15 in our class. I will just explain you the format and then after you have to solve it by yourself only. These are the questions of value added method. Since we have completed up to question number 11 in our last class, today we will discuss this. These questions are to be solved by using a different format. Have a look what is written over here. Now here you need to calculate the value added by firm A, B, and C, and then after you have to calculate the total value of output also. So in order to calculate this, what you are supposed to do, you are supposed to make a format because question has given you details in a paragraph. Firm A sold timber produced in its forests to firm B for rupees 1000. A ne B ko sell out kiya hai and firewood to consumers for fuel of rupees 500. Then firm B converted logs into sleepers and partly sold to furniture making firm C for 800 and remaining to private consumers for 700. Again, firm C sold furniture worth rupees 1000 to private consumer and remaining to government for office. What you are supposed to do, you are supposed to calculate the value added by firm A, B and C. Have a look, kaise solve karna hai. You need to draw a format like this. Here you will write detail, name of firm. Then you need to write value of output. Here you will make value of output. Iske just baad you have to write intermediate consumption. And in the last column, you need to write value added. Value added. Value added का क्या formula होता है? It will be value of output minus intermediate consumption. अब value of output इस particular question के लिए सिर्फ एक ही column रहेगा. By chance किसी question में आपको closing stock के बारे में बता दे तो आपको value of output के दो sub part कर देने हैं. Number one sales, number plus delta, number two delta K, that means change in stock. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेल्स और चेंज इन स्टॉक की अलग से बात नहीं हुई हुई है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स ही है. अब आपको कैसे सॉल्व करना है देखिए. मैंने यहाँ फर्म ए के बारे में लिखा. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा? सेल्स. फर्म ए ने जिस जिस को सेल किया, सपोज फर्म ए ने बेचा बी को, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू फर्म बी, अज्यूम कर रही हूँ 5000. टू फर्म सी, अज्यूम कर रही हूँ 400. टू कंज्यूमर्स, अज्यूम कर रही हूँ 500. ये जो जो सेल आउट करता गया फर्म ए, वो मैंने फर्म ए के वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स के फॉर्म में लिखती गई है. अब इसके साथ ये मुझे फर्म बी की परचेज में भी लिखना पड़ेगा. अगर फर्म ए ने फर्म बी को 5000 का सेल किया है तो फर्म बी के इंटरमीडिएट कंजप्शन में, जैसे ये फर्म ए का कॉलम एड होगा, एंड होगा, तो मुझे यहाँ फर्म बी का कॉलम बना के उसकी परचेज में लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्म ए रुपीज 5000. जितना ए बी को सेल करेगा वो बी की परचेज में आ जाएगा, सी को सेल करेगा तो सी की परचेज में आ जाएगा. ऐसे करके आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन को नोट डाउन करना है. जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो एट लास्ट आपके पास आ जाएगा फर्म ए बी और सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट भी और इंटरमीडिएट कंजप्शन भी. उसके बाद में आप कैलकुलेट कर पाएंगे इजिली वैल्यू है. अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो आपका फॉर्मेट बनने के बाद जो पहला टास्क रहेगा वो यही रहेगा कि फर्म ए की बात करते हैं. फर्म ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट में आप लिखेंगे सेल्स की जगह टू फर्म बी रुपीज 1000. इसी रुपीज 1000 को आपको फर्म बी की इंटरमीडिएट कंजप्शन में लिखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ए ने सेल किया बी को, तो ए की सेल्स है साथ साथ में बी की परचेज है, तो मैंने बी के इंटरमीडिएट कंजप्शन में भी लिख दिया होगा 1000. फिर फर्म ए की सेल्स में आगे लिख दिया टू कंज्यूमर, बस ये और कहीं नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा. फिर फर्म बी की अगर बात करें तो बी की सेल्स में आ जाएगा 800 प्लस 700. क्यों? क्योंकि बी ने कंज्यूमर को भी बेचा और सी को भी सेल किया. सी की परचेज में अगेन यू नीड टू राइट दिस 800, सी की परचेज में आ जाएगा. और उसके बाद में ऐसे करके आपका सोल्यूशन होगा. आप वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते टाइम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन जरूर करेंगे. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कोशिश करके देखिए, हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है जहां पे आपको ए बी सी और डी की डिटेल्स दी है. अब आपको बताया ए ने इतना आउटपुट बी को सेल किया, इतना सी को और इतना हाउस होल्ड को. फिर बताया है
the sales of B to A, C and D are worth 400, 200 and 300. ये details दो-दो बार आएंगी. B की sales में आएगी sales to A, sales to C and sales to D. और A के intermediate में आएगा purchase from B, C के intermediate में आएगा purchase from B और D के भी intermediate में आएगा purchase from B. ये जो A ने ये जो B ने इनको sell किया है ये इन्होंने purchase भी किया है तो इनके intermediate में भी आपको साथ साथ में लिखना पड़ेगा. अब यहाँ बात वही है कि आप कितना ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं और कितना अच्छे से फॉर्मेट बना के इसका सोल्यूशन करते हैं. सबकी अच्छे से अलग अलग वैल्यू एडेड निकालनी है और सबकी साथ में निकालनी है यानी सबको एड ऑन कर देना है. तो आपका टास्क यही रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 15 तक सॉल्व करना. 15th काफी कॉम्प्लिकेटेड है. जिस बच्चे ने 15th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप समझ लीजिए आपके लिए चैलेंज है. अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर पाते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि आपको वैल्यू एडेड मेथड अच्छे से आ गया. तो इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, बाकी सॉल्यूशन आपका रहेगा. ये आपको कह रहे हैं इन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस एंड फाइनल सेल इज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन. ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी आर फोर इंडस्ट्रीज. एक इकोनॉमी में चार इंडस्ट्री है, कुछ ट्रांजेक्शन्स बता रखे हैं. ए सेल्स टू बी फॉर 20,000. ए की सेल में और बी की परचेज में आपको लिख देना है 20,000, 20,000. फिर ये बोल रहे हैं बी हुज वैल्यू एडेड इज 40,000. बी का वैल्यू एडेड बता दिया यानी थर्ड कॉलम की डिटेल बताइए आपको. आप ये तीन कॉलम्स बनाएंगे ना, कौन कौन से तीन कॉलम्स देखिए ध्यान से. आपके कॉलम्स कौन कौन से रहेंगे, हैव अ लुक. नेम ऑफ फर्म आ जाएगा यहाँ पे जिसमें मैं फोर फोर लाइंस का गैप देके ए बी सी डी लिख दूंगी. फोर फोर लाइंस का गैप जरूर रखिएगा. यहाँ मैंने लिखा होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसके दो सब कॉलम बन जाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक. यहाँ मैंने लिखा होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन और यहाँ मैंने लिखा होगा वैल्यू एड. इस बार इन्होंने आपको बी की वैल्यू एडेड दे दी है. क्या दे दिया है, बी की वैल्यू एडेड. तो सपोज फर्म ए की फोर लाइन्स है, ये फर्म बी, तो बी का वैल्यू एडेड ये आपको बता रहे हैं. ये वैल्यू आपको यहाँ पे लिखी है, कितना बता रहे हैं देखिए. बी हुज वैल्यू एडेड इज 40,000. हमें नहीं पता बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट, हमें नहीं पता बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, हमें तो बी की वैल्यू एडेड बता दी गई है. अब आपके लिए मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट करना आपका टास्क है, ठीक है. इस तरीके से उसके बाद में आपको कह रहे हैं बी ने क्या किया है. देखिए सेल्स हाफ ऑफ इट्स आउटपुट टू सी एंड अनदर हाफ टू डी. आधा सी को सेल किया, आधा डी को सेल किया, कितना कितना किया ये आप फाइंड आउट करेंगे. सी सेल्स ऑन इट्स आउटपुट टू डी, सी ने सारा डी को बेच दिया, कितना बेचा नहीं पता, आप कंज्यूम करेंगे. डी की वैल्यू 30,000 अगेन गिवन है. आप सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द सॉल्यूशन. ये आपका चैलेंज है, आपके लिए ये चैलेंज है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके देखना है. चलिए अभी इसको एंड करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं. देखिए जरा ध्यान से, एक्सपेंडिचर मेथड की अगर हम बात करें तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड को यहाँ से स्टार्ट करना है. अगेन गिव मी अ सेकेंड. चलिए देखिए एक्सपेंडिचर मेथड की अगर हम बात करें, नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ आपने वैल्यू एडेड और इनकम मेथड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन करना है इस मेथड से. ये हमें आंसर देता है जीडीपी एमपी में. फाइनल आंसर किस में आएगा, जीडीपी एमपी. कभी कभी एनडीपी एमपी में भी आएगा, कब आएगा वो आगे बात करते हैं. यहाँ कैलकुलेशन कैसे होगी, सिंपल सी बात बता रहे हैं कि जितना भी मनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, वो उस इनकम को यूज करते हैं फॉर एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज.
और वो जो सारा एक्सपेंडिचर होता है उसी को मिला के हमारी इकोनॉमी का जीडीपी एमपी बनता है कि ग्रॉस इतना एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में हो रहा है यानी इतने गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए। इस मेथड का दूसरा नाम इनकम डिस्पोजल मेथड भी होता है। आगे देखिए, इफ वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स है। हमने चैप्टर वन ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ा है कि हमारी इकोनॉमी में चार सेक्टर्स होते हैं, राइट? हाउसहोल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये चार हमारी इकोनॉमी के क्या है, सेक्टर्स है। ये चारों सेक्टर अपने अपने लेवल पे कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। ये चारों सेक्टर्स क्या करते हैं, अपने अपने लेवल पे कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, और जब हम इनके एक्सपेंडिचर को एड ऑन करते हैं तो हमारे पास आती है नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मैथड। अब चार सेक्टर में हाउसहोल्ड कौन सा एक्सपेंडिचर करेगा, इट इज क्वाइट सिंपल कि हाउसहोल्ड करने वाला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी उसका पर्सनल लेवल पे जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो जो एक्सपेंडिचर करेगा वो नंबर फर्स्ट कंपोनेंट है। इसका शॉर्ट नेम है PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो हमने और आपने मिलकर अपने कंजप्शन के लिए किया है, या फिर किसी प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ने कंज्यूमर्स के लिए किया। जैसे कोई एनजीओ बना हुआ है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके कंजप्शन के लिए कुछ गुड्स खरीद रहा है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। नंबर टू की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउसहोल्ड्स के अलावा इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट भी कंजप्शन पर्पज से चीजें परचेज करती है और लोगों के लिए उनको यूज करती है। उसके बाद में इसका थर्ड कंपोनेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर। इकोनॉमी में प्रोड्यूसर भी कुछ एक्सपेंडिचर करता है और प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो प्रोड्यूसर जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा वो आपका आएगा थर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक वर्ड की न्यूमेरिकल्स में कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, लगा हुआ हो चाहे नहीं लगा हुआ हो आपको इग्नोर करना। ग्रॉस वर्ड की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी आपको बहुत कुछ ध्यान देना होगा, वो हम अभी समझेंगे। थर्ड सेक्टर हो गया। अब जो फोर्थ सेक्टर बचा है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक्सपेंडिचर आएगा नेट एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट जो भी हुआ है वो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर है, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड इट। और इम्पोर्ट जो हमने किया है वो किसी दूसरी कंट्री में बने गए गुड्स और सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर है। मैं अगर अमेरिका से कुछ इम्पोर्ट कर रही हूँ तो वो गुड्स मेरे यहाँ पे नहीं बने, तो उसको मुझे डिडक्ट करना है। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, हाउसहोल्ड सेक्टर ने जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया उसको लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे गवर्नमेंट का सारा एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी में जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है। इसमें ऐड कर देंगे फर्म का एक्सपेंडिचर जिसे कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाएगा, और लास्ट में ऐड कर देंगे हम नेट एक्सपोर्ट, यानी कि नेट हमारे गुड्स पे फॉरनर्स ने कितना एक्सपेंडिचर किया, राइट? ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के गुड्स पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ। अब यहाँ पहले हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, फिर ये जो थर्ड पार्ट है ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। थर्ड पार्ट की बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उसको हम आराम से समझेंगे। पहले देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूजफुल है आपको सारे क्वेश्चंस करने के लिए। क्या कह रहे हैं, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउसहोल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स दैट आर ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। हमने एज अ कंज्यूमर या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस ने फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर जितना भी एक्सपेंडिचर किया इकोनॉमी में कंजप्शन गुड्स परचेज करने के लिए, वो सारा एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा। बस आपको कौन सा एक्सपेंडिचर नहीं लेना है, हाउसेस कंस्ट्रक्शन पे। अगर हम अपना कोई घर बनवा रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंडिचर या कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी में एक इन्वेस्टमेंट है, वो इकोनॉमी में क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो आपको उसको नहीं लेना है, बाकी सारा लेना। दो लोगों का कंजप्शन होता है, हाउसहोल्ड का यानी हमने और आपने जो अपना एक्सपेंडिचर किया, या फिर कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ने हमारे लिए अगर कुछ एक्सपेंडिचर कर दिया, किसी एनजीओ ने अगर वीट परचेज कर लिया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हाउसहोल्ड्स को, तो वो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अल्टीमेटली वो वीट इकोनॉमी में कंज्यूम होने वाला है। फिर देखिए
Private final consumption expenditure includes expenditure incurred by normal resident. Normal resident ने किया हो, चाहे वो हमारी economy में हो, चाहे rest of the world में हो, किया हमारे residents के through होना चाहिए, ठीक है? और कोई भी expenditure अगर non resident या foreign visitor कर रहा है तो उसको हम include नहीं करेंगे. Non resident या foreign visitor कर रहा है तो उसको include नहीं करेंगे हम. इसके बाद में देखिए आगे, give me a second. यहाँ पे ये आपको लिख के दे दिया, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज ट्रीटेड एज कैपिटल फॉर्मेशन. अगर आपने अपना घर बनवाया है या नया घर परचेज किया है तो ये कैपिटल फॉर्मेशन है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपको यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है? किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट वाली जगह आएगा. तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हमारा कोई भी एक्सपेंडिचर आपको तो डायरेक्ट किसी नाम से मिलेगा न्यूमेरिकल में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आगे देखिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये क्या है, ये वो, वेट फॉर अ सेकेंड बेटा, कीप योरसेल्फ म्यूटेड. यस, नाउ हैव अ लुक. गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर है जो जनरल गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दिया. वो सर्विसेज अल्टीमेटली हम और आप कंज्यूम करते हैं, राइट? गवर्नमेंट भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, बट प्रॉफिट अर्निंग से नहीं, प्रॉफिट मोटिव से नहीं. जैसे गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का हो रहा है तो वहां पे लोगों का तो एक्सपेंडिचर नहीं हुआ ना. हमने अगर गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन ली तो वहां पे हमारा कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ. वहां जो एक्सपेंडिचर था वो सारा का सारा किसका था? गवर्नमेंट का था, बट हमने उसको कंज्यूम किया होगा उस सर्विस को, तो इसलिए उसको यहाँ पे एड ऑन किया जाता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. फिर ये कह रहे हैं गवर्नमेंट की बेसिकली मार्केट में सेल आउट नहीं होती है चीजें, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट ने कैसे इंटरमीडिएट कंजप्शन किया, क्या क्या गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को दिया, और उसका कैलकुलेशन अलग से होता है. ये आपके पास सिलेबस का पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन. आपको तो ये डायरेक्ट नेम गिवन होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हमें उसको डायरेक्टली एड कर देना है. उसके बाद में देखिए दिस वन, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे दिया, आप उसको ऐड कर दीजिए. हमारी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो ये इंडिकेट कर रहा है. अगर दे दिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 60,000, आपको 60,000 को एज इट इज ऐड कर देना. ये बता रहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे प्रोड्यूसर्स ने कितना इन्वेस्टमेंट किया. अब इस इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. कुछ इन्वेस्टमेंट तो प्रोड्यूसर करते हैं फिक्स असेट्स परचेज करने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में होता है फिक्स असेट्स पे, उसको कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके तीन पार्ट है. कौन कौन करता है? हम, आप, गवर्नमेंट और बिजनेसमैन. हम और आप तो एक ही कैटेगरी में आ गए, हाउस होल्ड्स, तो देखिए, और बिजनेसमैन और साथ में गवर्नमेंट. इसको ध्यान से समझिए, स्टार लगा लीजिएगा थर्ड पॉइंट. ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसका फर्स्ट पार्ट ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट. बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल, जो भी चीजें परचेज करने के लिए, नंबर वन आएगा वो. नंबर टू, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. हमने अगर अपना घर बनवाया, हमने अगर हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन करवाया किसी भी चीज का, हाउसेस बनवाए, तो वो सारा आ जाएगा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. एंड नंबर थ्री, गवर्नमेंट ने अगर फ्लाईओवर बनवाए, रोड्स बनवाए, ब्रिजेस बनवाए, तो ये आ जाएगा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में. कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जहां पे आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ना देके आपको लिख के दे देंगे ये तीनों चीजें, तो आपको इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा सो एज टू ऑब्टेन ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. अभी इनको ऐड करके भी आपके पास फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा. इसमें मुझे चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा ताकि टोटल इन्वेस्टमेंट आए. टोटल इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने स्टॉक में किया है, राइट, जो मैंने रॉ मटेरियल में किया है या फिनिश गुड्स में किया है, जो इस साल सेल आउट नहीं हो पाए, तो ये वो क्लोजिंग स्टॉक है जो बच गया है. तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है ये कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट है,
ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बाय चांस क्वेश्चन आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन देता है तो आप क्वेश्चन में ढूंढिए चेंज इन स्टॉक कहाँ दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके चेंज इन स्टॉक आएगा, जो आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नाम से ऐड किया जाएगा। जब आप इन दोनों चीजों को ऐड करोगे तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगा। इज इट ओके टू एवरीवन? इसके बाद में आपको वापस से वही बात, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के तीन अलग अलग नाम दे दिए हैं, उसको बता दिया। खास बात ये है कि काफी बार ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ होता है, बच्चे उसको टोटल इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, बिल्कुल सही है, बट ग्रॉस वर्ड के बाद अगर फिक्स वर्ड ऐड कर दे, ग्रॉस वर्ड के बाद अगर फिक्स वर्ड उन्होंने यूज कर लिया है, इट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट अधूरा है। आपको अभी इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ढूंढने की जरूरत है। आप ढूंढेंगे कि चेंज इन स्टॉक कितना है और चेंज इन स्टॉक आएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, बस उसके बाद नेट इन्वेस्ट नेट एक्सपोर्ट काफी सिंपल है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करना है। एक्सपोर्ट यानी हमारे गुड्स पे फॉरनर्स ने कितना एक्सपेंडिचर किया, इम्पोर्ट यानी हमने उनके गुड्स पे कितना एक्सपेंडिचर किया। आप इनके डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे और आपको पता चल जाएगा नेट एक्सपोर्ट कितना है। ये एग्जाम्पल्स आपको आराम से आ जाएंगे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट नेट एक्सपोर्ट होगा। बाय चांस एक्सपोर्ट दिया हुआ ही नहीं है, इम्पोर्ट ही दिया हुआ है तो आप एक्सपोर्ट को जीरो अज्यूम करके नेट एक्सपोर्ट निकाल लोगे। नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है और फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दिया हुआ है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को इग्नोर करोगे, नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट आ जाएगा। नेट इम्पोर्ट दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है दोनों केसेस। क्वेश्चन आपको नेट इम्पोर्ट दे रहा है, अब ये साइन चेंज होके नेट एक्सपोर्ट बनेगा। अगर नेट इम्पोर्ट पॉजिटिव का है तो नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव हो जाएगा, नेट इम्पोर्ट नेगेटिव है तो नेट एक्सपोर्ट के टाइम पर आप इसको पॉजिटिव कर लोगे। ये डिफरेंस आपका खुद का टास्क है, स्टेप्स हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं। ये देखिए एक्सपेंडिचर मेथड का सॉल्यूशन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। सारा कंफ्यूजन आएगा इस नंबर थर्ड में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये जितना इजी दिख रहा है उतना डायरेक्ट नहीं गिवन होगा। अगर आपको लिख दे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड वर्ड आ गया तो आपके दिमाग में ये फाइनल होना चाहिए कि हमें चेंज इन स्टॉक ढूंढना है और इसमें ऐड करना है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीडीपी एमपी आ जाएगा, आप उस जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी पे आराम से ला सकते हो, आप सबको पता है प्रोसेस क्या होता है। प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के, और ध्यान रखिएगा कल से क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, रिपीट नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि हम नेशनल इनकम में ऑलरेडी स्लो चल रहे हैं, तो रेगुलर रहिएगा और टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, मैं किसी का वेट नहीं कर पाऊंगी क्लास में। प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, नंबर वन, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स पे कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो इसको इंक्लूड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वापस वही बात, इंटरमीडिएट की वैल्यू फाइनल में इंक्लूडेड होती है, तो अगर आपने यहाँ पे वापस कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होगी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो ट्रांसफर पेमेंट है, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, उससे डायरेक्ट कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, तो आपको ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करना है और आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड गुड्स का सेल और परचेज किया, इससे होने वाली इनकम को भी इंक्लूड नहीं करते और इसके एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इस साल प्रोड्यूस नहीं है। बट अगेन दे हैव रिटन द सेम थिंग, एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सच गुड इज इंक्लूडेड एज इट इज अ पेमेंट मेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विस। सेकेंड हैंड गुड बेचा है तो नहीं आएगा, बट सेकेंड हैंड गुड बेचने पे ब्रोकर ने ब्रोकरेज रिसीव किया तो वो ब्रोकरेज आएगा हमारे लिए एक्सपेंडिचर के फॉर्म में और रिसीवर के लिए इनकम के फॉर्म में। ये सेम प्रिकॉशन आपने इनकम मेथड में भी पढ़ा था। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट, इनकम मेथड में पढ़ा था हमने, शेयर्स डिबेंचर्स और बॉन्ड सेल आउट किए हैं उससे होने वाली इनकम को नहीं लेंगे। यहाँ पे भी वही बात, अगर हमने एक्सपेंडिचर किया शेयर डिबेंचर और बॉन्ड परचेज करने पे तो वो नहीं आएगा, बट उस पर ब्रोकरेज दिया तो उसको डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे।
एंड नेक्स्ट वन एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, खुद के लिए कुछ प्रोड्यूस किया गुड्स या सर्विसेज, बिल्कुल उसकी वैल्यू लेंगे. सर्विस कौन सी होनी चाहिए? प्रोडक्टिव होनी चाहिए. डोमेस्टिक सर्विस को नहीं लेंगे, सिर्फ कौन सी सर्विस को लेते हैं? प्रोडक्टिव सर्विस को लेते हैं. अब यहाँ पे आपके लिए तीनों मेथड्स को रिकंसाइल करके दिया हुआ है. न्यूमेरिकल्स आपके लिए आज का टास्क रहेगा, एक्सपेंडिचर मेथड के इनिशियल क्वेश्चंस करना. अभी तो आप ये देखिए कि यहाँ पे तीनों मेथड्स का अगर हम एक रिकॉल लें तो वैल्यू एडेड मेथड में ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. फिर तीनों का वैल्यू एडेड ऐड करते हैं तो जीडीपी एमपी में आंसर आता है. ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा तीनों में ही. यहाँ जीडीपी एमपी में आंसर आएगा, यहाँ एनडीपी एफसी में आंसर आएगा, और यहाँ भी आंसर आएगा जीडीपी एमपी. बस फिर एट लास्ट हमें इन सबको कन्वर्ट करना होता है इनटू नेशनल इनकम. कन्वर्जन आप सबको आता है, आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीखा है. अब आज के लिए लिखना क्या है, नोट डाउन करना शुरू कीजिए. एक्सपेंडिचर मेथड हेडिंग डालिए और फिर नोट डाउन करना शुरू कीजिए. एक्सपेंडिचर मेथड हेडिंग डाल के आप लिखिए जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखवा रही हूं, आप लिखिए जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू सी प्लस जी सी सी के बाद में मैंने बोला प्लस जी सी यानी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सी के बाद में आपको लिखना है प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. फिर आपको लिखना है प्लस आई, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और फिर आपको प्लस करके लिखना है ब्रैकेट में एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. क्या लिखना है आपको? एक्सपोर्ट, एक्स बोले तो एक्सपोर्ट, और माइनस करके आपको लिख देना है एम यानी कि इम्पोर्ट. ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड का मेन कंटेंट है, आपको बस इसी को याद करना है. सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम. यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, एक ही इम्पोर्टेंट बात, वो ये कि आई जो हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर दो चीजें आएगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आएगा और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आएगा आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. क्या आएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम है कैपिटल फॉर ये चेंज इन स्टॉक, जिसका दूसरा नाम क्या है? चेंज इन स्टॉक. बस ये इतना सा ध्यान रखोगे, न्यूमेरिकल आराम से होंगे, इनिशियल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा काफी ईजी है. सी क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जी है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. आई इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. एक्स एक्सपोर्ट, एम इम्पोर्ट. अब सुनिए, अगर इन्वेस्टमेंट आपको ग्रॉस का दिया हुआ है तो आंसर जीडीपी एमपी आएगा. इन्वेस्टमेंट नेट दिया हुआ है, नेट इन्वेस्टमेंट, तो आंसर एनडीपी एमपी आ जाएगा. नेट इन्वेस्टमेंट लोगे तो आंसर नेट में आएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लोगे तो आंसर ग्रॉस में आएगा. ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको न्यूमेरिकल करते टाइम ध्यान में रखनी है. अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो इनिशियल 3 to 4 क्वेश्चन आपसे आराम से होंगे. और आज का टास्क है ये पूरी थ्योरी रीड करना, जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन हमने डिस्कस किया है प्रिकॉशंस के साथ. कल हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन आपको करके देखने हैं. यानी आज आपको इकोनॉमिक्स को मिनिमम 1 आवर देना पड़ेगा. क्या क्या करना है आपको क्लास के बाद? क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 and 15, जिसमें 15 आपका चैलेंज है, सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है बुक का 15th नंबर क्वेश्चन. ये 4 क्वेश्चंस करने के बाद में आपको करना है वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट करके एक्सपेंडिचर मेथड का थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा रीड, और उसके बाद में इसके जो जो न्यूमेरिकल्स आज आपका टास्क रहेगा वो मैं आपको अभी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी. एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ भी पूछना है बताइए. जिनका प्रीवियस टास्क नहीं भी हो रखा है वो भी अगर एक्सपेंडिचर मेथड को स्टार्टिंग से करेंगे तो आपको आराम से समझ में आए. आप इसको अच्छे से पढ़िए, 4 ही चीजें लिखनी है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट. ये सब कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा, हमें तो सिंपल एडिशन करना है और एडिशन करके अपना सॉल्यूशन करना है.
तो चलिए आप आज की क्लास के बाद ये सारा टास्क कंप्लीट करके रखिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. हैव अ नाइस डे एवरीवन.